हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल पे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी मेरी सहेलियों के कमेंट्स आते हैं। उनको पढ़ने के बाद एक चीज़ मुझे महसूस हुई कि हमको पीरियड और मिसकैरेज का डिफरेंस मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस मालूम नहीं होगा तो हम बस उलझन में पड़े रहेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं जब तक, तब तक बहुत सारी उलझनें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो आज मैं इसी विषय को आपको क्लियर करूंगी कि पीरियड की ब्लीडिंग और मिसकैरेज में जो ब्लीडिंग होती है, जो भी लक्षण होते हैं, उनको आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि जनरली कहीं मिलती नहीं है जानने को। तो ये चीज़ें अनुभव से आती हैं, और जो अनुभव मैंने इकट्ठा किए हैं उनको आज मैं आपको शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है नॉर्मली सबको जैसी होती है वैसी ही होती है, लेकिन अगर मिसकैरेज हुआ है आपको, आप प्रेग्नेंट हो चुकी थी, आपको मालूम नहीं चला और आपको मिसकैरेज हो गया, तो वो जो ब्लीडिंग है पीरियड की ब्लीडिंग से, उसमें क्लॉट्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना पीरियड से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय आपके शरीर में जो बच्चा बना है उसका शेप साइज उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन अगर 8-10 हफ्ते के बाद आपको मिसकैरेज होता है तो उसको आप क्लियरली जान जाते हैं, उसमें बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होने लग जाती हैं, तो वो एक अलग बात है। मैं आपको अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड और ब्लीडिंग के अंदर, मिसकैरेज के अंदर डिफरेंस बता रही हूँ। फ्रेंड्स, पीरियड जहाँ तक कई लोगों को 3-4 दिन रहता है, किसी को 5 दिन, किसी को 6 दिन रहता है, तो पीरियड की अवधि जो होती है, ड्यूरेशन जो होता है पीरियड की ब्लीडिंग का, मिसकैरेज की ब्लीडिंग से कम होता है। लेकिन अगर आपको मिसकैरेज हुआ है और आप बाकी किन्हीं चीज़ों से पता नहीं लगा सकते हैं, तो ये एक चीज़ आपको क्लियर बताएगी कि आपको मिसकैरेज हुआ है, पीरियड नहीं आया है। क्योंकि मिसकैरेज में ब्लीडिंग का ड्यूरेशन लंबा होता है, 10 से 12 दिन भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकता है। तो अगर आपके पीरियड का ड्यूरेशन ज़्यादा है और अगर आपके हार्मोन्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो इस बात से आप जान सकती हैं कि आपको मिसकैरेज हुआ है। फ्रेंड्स, पीरियड के बाद हमें कोई सिग्निफिकेंट वीकनेस जैसा नहीं मालूम पड़ता। अगर हम स्वस्थ महिला की बात करते हैं तो, जो पहले से ही एनेमिक है उनका मैं नहीं बता रही हूँ अभी कुछ ऐसा, मैं एक स्वस्थ महिला की बात कर रही हूँ कि पीरियड के बाद आपको बहुत ज़्यादा ऐसी कोई कमजोरी नहीं लगती। लेकिन अगर आपको मिसकैरेज हुआ है तो ब्लीडिंग जब बंद होगी या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा दिन तक चलती रहेगी, तो बाद के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगी। आपकी जो जुबान है ना, जुबान आपकी, ऐसा फील होगा कि उस पर एक ड्राइनेस है। आप पानी पी रहे हैं लेकिन एक ड्राइनेस ही आपको महसूस होगी। पीरियड में तो ना कभी आपको दस्त लगता होगा, ना चक्कर आए होंगे, कमजोरी की बात अलग है। लेकिन पीरियड की वजह से ऐसा कभी नहीं होता है लोगों को कि उन्हें दस्त लगे। तो अगर ब्लीडिंग सामान्य ही हो रही है और आपको डाउट है कि मिसकैरेज तो नहीं है, तो आप उसको इससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं कि दस्त आने लग जाए अगर आपको ब्लीडिंग के साथ में, या फिर आपको बहुत चक्कर सा महसूस होने लग जाता है, तो दस्त और चक्कर भी हमको हिंट करते हैं कि ये ब्लीडिंग पीरियड की नहीं, मिसकैरेज की है। फ्रेंड्स, मिसकैरेज के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसका कलर, ये भी हमें नोटिस करना चाहिए कि उसका कलर डार्क ब्राउन, कॉफी ब्राउन से लेके पिंक से ब्राइट रेड तक हो सकता है, जो कि पीरियड की ब्लीडिंग से डिफरेंट होता है। तो ऐसे भी आप जान सकते हैं कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो पीरियड की है या फिर मिसकैरेज की। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि ये सारी बातें जानने के बाद आप बेवजह नहीं घबराएंगे, बेवजह आप तनाव में नहीं चले जाएंगे, चीज़ों को बहुत आसानी से समझ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें डील भी कर पाएंगे। तो कंसीव करने से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कई तरह के वीडियो, प्रेगनेंसी सिम्टम पे भी मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति में कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको मैंने बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है। आप भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि उससे किसी और की भी मदद हो जाए। और आपका अगर कोई सलाह, सुझाव या सवाल है तो मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगी एक नए विषय के साथ, तब तक अपना ख्याल लें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, टेक केयर, बाय बाय।